बढ़ूं आगे। युगीन परिस्थितियों और युगीन प्रवृत्तियों के आलोक में हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक कालखंड के नामकरण के प्रश्न पर प्रकाश। मनीष कौन है? मनीष गुंजन। अच्छा, हिंदी की कॉपी मिल गई है टेस्ट की। क्या बैकग्राउंड है? बैठिए आराम से। क्या बैकग्राउंड है? अच्छा, कहाँ से? तो हिंदी कैसे ले लिया? तो हिंदी पढ़ा है या हवा हवाई? एकदम नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, ठीक है? नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा, मीडियम इंग्लिश है क्या तुम्हारा? टेस्ट में आज जीएस वाली कॉपी दी है ना? क्या दिया है मार्क्स? है कॉपी? एक बार देखो। नहीं लाए? एक बार मिलिएगा तो आप कॉपी के साथ। भाषा आपकी अच्छी है, समझे, लेकिन समस्या ये है कि अचार को भोजन नहीं बना सकते ना। अचार टेस्ट मेकिंग का काम करेगा, नहीं तो अगर भात दाल तरकारी मौजूद हो तो अचार जो है एड ऑन करेगा फ्लेवर, लेकिन केवल अचार डाल दिया जाए तो काम चलेगा? तो वहां मेहनत करने की जरूरत है। इस प्रश्न को देखें और मेरे ख्याल से एक और किन्हीं की कॉपी थी, क्या नाम था? दीपक कौन है? अच्छा, आपका। हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक कालखंड का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता मनीष ने गड़बड़ किया है या दीपक ने, इसका मतलब क्या है? कुछ तो मतलब होगा। अगर इसी की जगह हिंदी साहित्य के इतिहास के इसकी जगह ये रहता तो दोनों प्रश्न एक ही होते या अंतर होता? कुछ क्या अंतर होता? वेरी गुड। जब आरंभिक कालखंड की बात की जा रही है तो 10वीं से 14वीं सदी की बात की जा रही है, नहीं? और जैसे यहां पर हम पहुंचे, नहीं, तो इसका मतलब यह प्रश्न आदिकाल के नामकरण के प्रश्न पर, आदिकाल क्या नामकरण है?
और आदिकाल के नामकरण के प्रश्न पर विचार जो हमें करना है वह किसके कंटेक्स्ट में? युगीन परिस्थितियों और युगीन प्रवृत्तियों। और जैसे युगीन परिस्थितियों और युगीन प्रवृत्तियों को जोड़ा गया, इसका मतलब यह है कि हमारी पूरी की पूरी चर्चा के केंद्र में वीर गाथा काल नामकरण रहेगा और दूसरा आदिकाल नाम करेगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा जितने भी नाम हैं उनमें युगीन परिस्थितियों और युगीन प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया। तो आचार्य शुक्ल ने इस नामकरण का आधार क्या है, इसका औचित्य क्या है, इस नामकरण की सीमा क्या है, और फिर इसी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि इस सीमा का संकेत किसकी ओर से मिला है, और इसी के कंटेक्स्ट में हमारा कंक्लूजन किसके फेवर में होना चाहिए? आदिकाल के फेवर में होना चाहिए। हमारा कंक्लूजन आदिकाल के फेवर में होना चाहिए, क्योंकि इस कालखंड के नामकरण के साथ समस्या क्या है? समस्या यह है कि इस कालखंड में एक नहीं तीन तीन प्रवृत्तियां प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में सामने आती, वीरगाथात्मकता भी है, श्रृंगारिकता भी है और आध्यात्मिकता भी है, और इनमें किसी सर्व प्रमुख प्रवृत्ति का निर्धारण संभव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते यह प्रवृत्ति सर्व प्रमुख है और यह प्रवृत्ति, तो अगर यह समस्या है तो ऐसी स्थिति में अगर किसी एक प्रवृत्ति को हम सर्व प्रमुख प्रवृत्ति मानेंगे, युगीन प्रवृत्ति मानेंगे और उसके आधार पर नामकरण करेंगे, तो अन्य प्रवृत्तियों की उपेक्षा होगी या नहीं? नहीं। तो इस विसंगति से बचने के लिए क्या करना होगा? इस विसंगति से बचने के लिए हमें ऐसे नाम को चुनना होगा जिसमें सभी प्रवृत्तियों का सह अस्तित्व संभव हो सके, जिसमें सभी प्रवृत्तियों का सह अस्तित्व संभव हो सके, और ऐसा नाम क्या है? आदिकाल है, क्योंकि आदिकाल के अंतर्गत इन सारी प्रवृत्तियों का सह अस्तित्व भी संभव है, और आदिकाल नाम इस बात का भी संकेत लेकर के आता है कि यह हिंदी साहित्य के, यह कालखंड हिंदी साहित्य का आरंभिक कालखंड है। तो प्रवृत्तियां हो, विशेषताएं हो, संवेदना हो, भाषा हो, परवर्ती दौर में हिंदी साहित्य का जो स्वरूप उभर करके आता है उसके बीज रूप यहां पर मौजूद है। ये बातें स्पष्ट हुई हैं। तो अधिक से अधिक पासिंग रेफरेंस जो है हम ये दे सकते कि इसके कई नाम सुझाए गए, अमुक अमुक अमुक, लेकिन अगर युगीन परिस्थितियों और युगीन प्रवृत्तियों के कंटेक्स में बात करें तो कहीं ना कहीं दो नाम हैं जहां पर चर्चा सीमित होती दिखाई पड़ती है, वीर गाथा काल और आदिकाल। नहीं, वीर गाथा काल नामकरण को अगर देखें तो आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं का उल्लेख किया, उनमें 3 रचनाओं को छोड़कर 6 रचनाओं के आधार, 9 रचनाओं के आधार पर
वीर गाथात्मकता को युग की प्रमुख प्रवृत्ति माना और इस कालखंड को वीर गाथा काल की संज्ञा दी। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि आचार्य शुक्ल बहुत सारी रचनाओं को छोड़ देते, जैसे सिद्धोनाथों की रचनाओं को उन्होंने धार्मिक रचना मानते हुए साहित्य के अंतर्गत रखा ही नहीं, नहीं? दूसरी ओर अगर हम देखें तो आचार्य शुक्ल ऐसी रचनाओं की चर्चा करते हैं जो या तो सांकेतिक हैं या उनमें कुछ रचनाएं अप्राप्य भी हैं, तो उनकी अपनी विसंगति है, उनकी अपनी दुविधा है। बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं? तो इस लाइन को लेते हुए हम प्रश्न को कंक्लूड करें। बढ़ूं आगे? प्रश्न में हमेशा ध्यान रखो, स्ट्रक्चर पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है।